कुछ बोलो ना गाइस, अभी हम बैठ चुके हैं इस पे तो काफी मजा आ रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो होप करता हूँ सब मस्त होंगे। अभी है हम थन्ना मंडी, शादरे में व्लॉग मैंने एंड किया था, अभी थन्ना मंडी से हम जा रहे हैं वापस। तो थन्ना मंडी पहुँचे हैं, अभी हम कश्मीर का व्लॉग बनाने वाले पूरा, तो होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, थन्ना मंडी से निकलते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हेरा गली पहुँचने वाले, और यहाँ का व्यू देख सकते यार काफी मजे वाली रोड, थोड़ी खराब है लेकिन व्यू यार काफी मजे वाला। और अभी बज चुके हैं 6, व्लॉग को वहाँ पर ही मैंने एंड किया क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो अभी यहाँ से व्लॉग करते हैं कंटिन्यू, और अभी हम पहुँचे हैं देहरागिरी मैगी मोड पहुँचे हैं अभी देहरागिरी पहुँचने वाले हैं। तो बहुत ही मजे वाला व्लॉग बनने वाला है यार, काफी मजे वाली जगह है। सो घूमेंगे, सबसे पहले हमने जियारत पे जाना है, लास्ट शिव जियारत पे। बहुत सारी गाड़ियां, आज इतना ज्यादा रश था, शादरे शिव जिंदगी में मैंने इतना रश नहीं देखा जितना आज देखा। और आज अपने भाइयों से मिलके काफी मजा आया, मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया और बहुत ज्यादा मजा भी आया, और उनकी वजह से मेरे 1K भी हो जाएंगे। तो अभी हम देहरागिरी पहुंचने वाले, और यहाँ का व्यू काफी मजे वाला है। अभी हम पहुंचे देहरागिरी, और यहाँ के देखते हो जाम लग गया बहुत ज्यादा, और गाड़ियां इतनी ज्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जाम लग चुका है और वहां तक गाड़ियां का जाम है। सो अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर ही पार्क की है फिलहाल, अभी देखते हैं जाम खुलता है कब तक, पता नहीं खुलता है, रात ही यहाँ पर होती है तो अभी देखते हैं कब तक जाम खुलता है, बहुत लंबा जाम है, पता नहीं क्या मसला हुआ है यहाँ पर, तो अभी देखते हैं बाद में आप बताते हैं। तो गाइज यहाँ से फाइनली जाम खुल गया, इतना ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ था, वैसे रोड भी बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की, और देख देख के चलना पड़ता है, और जाम भी लग गया, अभी जस्ट खुला और आपको बताता हूँ। हमारे आगे है आर्मी वालों की गाड़ी और पीछे भी गाड़ियां हैं, तो देखते हो बहुत दूर तक लंबा जाम है यार, बहुत काफी लंबा जाम लग गया यहाँ तक। तो अभी शुक्र है कि खुला है, लग रहा है मुझे सारे लोग बैठ रहे हैं, और हम भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और मेरा गाइस एक सीन हो गया मेरे साथ, व्लॉग बनाने का मतलब मन नहीं कर रहा था, मेरा ट्राइपॉड वहीं रह गया, तो इसकी वजह से। सो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे, तो फिर मिलते हैं। तो अभी सनसेट देखते हो कितना मजे वाला सनसेट है यहाँ का, और अभी चलते हैं तो देखते हैं आगे आगे। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. ये वाली रोड पहाड़ियां काट काट के बनाई है, और काफी मतलब सबसे हाईएस्ट जगह पे है यार, बहुत ज्यादा ऊंची जगह पे है। गाइस अभी हम पहुंच गए डीके जी, तो ये रहा कुछ डीके जी का व्यू। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं बुफलियाज सिटी में, तो यहाँ पर है गाड़ियां बसें लगी हुई, आगे इतनी ज्यादा भीड़ है यार, बहुत ज्यादा बसें। तो पीर की गली 44 किलोमीटर है यहाँ से, तो अभी हम रुकते हैं कहीं पे, तो फिर वहां से चौक क्लिप लेंगे, तो आगे जाके फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम फाइनली चंदीमढ़ पहुंच गए, और यहाँ पर कुछ चाय वगैरह पीते हैं, तो फिर यहाँ से चलते हैं। अभी अभी हमने चाय यहाँ मंगवाई, और अभी चंदीमढ़ में रुके हुए हैं, तो यहाँ पर कुलचे बहुत फेमस है यहाँ के, तो अभी चाय आती है पीते हैं, तो फिर यहाँ से चलते हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है भैया साहब, अब आइए अच्छी क्वालिटी वाली। वाह यार हमने पी लिया, तो अभी यहाँ से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा आगे के लिए निकलते हैं, बहुत ज्यादा हॉर्न है यार यहाँ पे। तो ये रही हमारी गाड़ी, तो गाड़ियाँ बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, बसें ये ज्यादातर रश करती हैं। अभी मैं पीछे बैठने लगा क्योंकि पीछे सुकून है, आगे नहीं है बस। सो मिलते हैं आपको रास्ते में जाके। गाइस हम पहुंच गए अभी पीर की गली, और काफी ठंड है यहाँ पे, जैकेट लगाए हुए हमने, और काफी मजा है यार, बहुत ज्यादा सर्दी है, शुक्र है इतनी लाइट लगाई है फेस पे क्योंकि क्वालिटी ऐसी नहीं आती फोन में। ये हमारे शराज भाई कैसे निकला आज का दिन यार, बहुत ही अच्छा, क्या बताएं, एक ही अच्छा। एक खराब हो गया मेरे साथ के मेरा ट्राइपॉड ही कहीं गुम हो गया, वो शायद शॉप पे रह गया, तो वो वापस आके लेंगे यहाँ पर। तो अभी चलते हैं ज्यारत पर सीधा, ऐसे पकड़ के व्लॉग बनाना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं ज्यारत पर, लोगों के रिएक्शन तो आते होंगे, तो चलो अभी चलते हैं ज्यारत आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। अभी चलते हैं ज्यारत के ऊपर, और काफी ठंड है यहाँ पर,
ये हमारे शराज भाई आगे आगे, यहाँ की जो चाय होती है बहुत काफी मजे वाली होती है चाय। तो ज़ियारत, काफी ठंड है यार यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब। गाइस कौन मिला? मेरा ट्राइपॉड मिल गया, फाइन गया था जो वो मिल गया, जहाँ से प्याली उठाई है। बहुत मजे वाली चाय होती है, तो यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड ही मिल गया। काफी शराब भाई कितना खुश हूँ मैं आज, पता मेरा ट्राइपॉड ही मिल गया। शर्म जो है, शर्म मेरे घर रख के आया हूँ। यहाँ पे लोगों का रिएक्शन, लेकिन मैं रिएक्शन की तरफ नहीं आई ब्लॉग में ना, मेहनत ही जाकर। ये बंदे मतलब अच्छे हैं यार, देख लो गाड़ियाँ कितनी सारी यहाँ पर, बहुत ज्यादा गाड़ी है, काफी रश है यहाँ पर भाई। पहली बार रात में आया हूँ यहाँ पर, मैं भी पहली बार रात को आया हूँ। रात को काफी मजा आया, चाय मजे भी लिए यहाँ, और अभी पीते हैं। और यहाँ से आगे काफी मजे वाली जगह है, तो रात को हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, चलेंगे लोग हमारी मतलब बाथरूम को देखेंगे, जो समझते हैं समझे, तो हम क्या करें मतलब जो मतलब उनसे ही ना पता करें, मतलब कैमरे से बातें कर रहे हैं हम। काफी मजे वाली चाय है यार पूरे कश्मीर को, यार हाथ मेरे ऐसे ठंडे हो रहे। और मेरी ज्यादातर मैं अभी मतलब ब्लॉग आते मैंने शूट क्यों नहीं किया रास्ते में, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड गुम हो गया था इसकी वजह से। और अभी मतलब रोने वाला मूड हो गया था मेरा, और अभी मैं इतना मतलब स्माइल कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्या बताऊँ, ट्राइपॉड मतलब अलग ही सीन होता है ट्राइपॉड का। अभी चाय पीते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। वीडियो काफी मजे वाली बनने वाली है, तो भाई आप बहुत हो गए। मैं अभी भी सुबह व्लॉग डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग पे लगा हुआ था, ये सारे हेडफोन लगा के एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि कल व्लॉग सुबह 10 बजे आएगा मेरा, तो उसके लिए मैं एडिटिंग कर रहा था। और व्लॉग शायद कम्प्लीट हो चुका है, आधा 2 घंटे लगे मुझे एडिटिंग में। और अभी हम यहाँ से चाय पीते हैं, और रिएक्शन काफी मजे वाले आ रहे हैं, तो चाय पी के कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। यहाँ यासर भाई से सीख के आए हुए हैं, और यहाँ से अब चलते हैं आगे, तो आगे आपको अच्छी जगह पे मिलते हैं, अभी चाय पीते हैं फिर। सो फाइनली गाइस, अभी ज़ियारत से होके आ गए, चाय पी है यहाँ पर, तो मतलब काफी ठंड है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सर्दी लगी है। और अभी गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क की है, अभी यहाँ से निकलते हैं और रात को देखते हैं कहाँ पर हमने रुकना है। और यार ब्लॉग काफी मजे वाला बना है गाइस, अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में और काफी सर्दी है। क्या बोलना है अमजद भाई, कितनी सर्दी है? बहुत ज्यादा सर्दी है, लाइट ऑन कर दो ना फिर से इसे मिले। हाँ कितनी सर्दी है यार आज, बहुत ज्यादा। और बाहर बंदे ने टी शर्ट पहनी हुई है, मैंने रास्ते में जुगाड़ कर लिया था, मुझे पता है कि सर्दी होगी वहाँ पर। अभी ज्यादा ठंड लग रही है, मिरर खोल के बहुत ज्यादा सर्दी लगती है मतलब। फाइनली गाइस, अभी हम पहुँच गए दुबजिया, तो यहाँ पर कुछ लेते हैं खाने की चीजें यहाँ से। फिलहाल हम दुबजिया ब्रिज के पास यहाँ पर रुके हैं, और काफी बुरी ठंड है यार, काफी ठंड है। और यहाँ से लेते हैं कुछ चीजें खाने के लिए, पानी चानी और चाय पीते हैं, तो ऊपर चलते हैं यहाँ से आके। अभी यहाँ पर रुके हैं भाई साहब के पास, ये हमारे भैया, तो अभी इसके अंदर बैठते हैं कुछ देर तक, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। काफी मजे वाली जगह है यार यहाँ पर। कम्बल और भी भैया ना झगड़ो, यहाँ पर टेंट कुछ ऐसे वाला, सर्दी का मौसम है और बाहर यहाँ से जाने के लिए जगह है। ट्रिप्स लिया यहाँ पर, यहाँ पर अपने भाई लोग बैठे हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क किया वहाँ पर, ये ब्रिज के सामने ही एक टेंट है, तो यहाँ हम चाय बनाने लगे। तो मैंने ये ऐसा टेंट अर्तुल गाजी का ड्रामा है, वहाँ पर ऐसे टेंट देखे थे, और भाई के टेंट है, उन्होंने बोला यहाँ पर बैठो। और यहाँ पे कुछ भाई साहब बोलने के, चलो बैठो अंदर, हम पहुँच गए दुबजिया पुल के पास। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं शोपियान, तो अभी शोपियान जाना है हमने शराज भाई के खाला के घर, तो वहां पर रात को रुकेंगे हम। सुबह हमने नेक्स्ट देखना है कहां पे जाना है, तो देख लो शोपियान का कुछ इस तरह का व्यू है।